वेलकम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं न्यूज वर्ल्ड इंडिया का खास शो बॉलीवुड गपशप और आपके साथ मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त पारुल त्यागी। एंटरटेनमेंट में लगने वाला है आज नया तड़का, जी हां, तो हो जाइए तैयार देखने के लिए। दिया मिर्जा एक बार फिर साथ फेरे किसके साथ लेने वाली है? वीकेंड के वॉर में बिग बॉस के घर से कौन हुआ बेघर? आखिर बॉलीवुड सेलेब्स ने कैसे मनाया वैलेंटाइन डे? एक बार फिर किस फिल्म में साथ नजर आएंगे सलमान खान और शाहरुख खान? और शहनाज गिल के किस वीडियो के दीवाने हो रहे हैं उनके फैंस? तो चलिए करते हैं शुरू। साल 2002 में फिल्म रहना है तेरे दिल में से अपना बॉलीवुड करियर की शुरुआत करने वाली एक्ट्रेस दिया मिर्जा एक बार फिर से शादी के बंधन में बंधने वाली हैं। दिया मिर्जा आज एक समारोह में बिजनेसमैन वैभव रेखी के साथ शादी करने वाली है। दिया और वैभव कुछ अरसे से एक दूसरे के दोस्त हैं और एक दूसरे को काफी अच्छे से जानते हैं। वेडिंग सेरेमनी की शुरुआत कल से ही हो चुकी है। इस सेरेमनी की कुछ तस्वीरें भी सामने आई। इन तस्वीरों में दिया और वैभव अपने परिवार और करीबी लोगों के साथ नजर आए। बिग बॉस 14 अब अपने आखिरी दौर में है और ऐसे में अभिनव शुक्ला के जाने के बाद देवोलीना भट्टाचार्य भी घर से बेघर हो गई हैं। देवोलीना घर में एजाज खान की प्रॉक्सी बनकर आई थी। एजाज खान को अपने प्रोफेशनल कमिटमेंट की वजह से शो से बाहर जाना पड़ा था, लेकिन अब बिग बॉस के घर से बाहर जाने के तुरंत बाद देवोलीना ट्विटर पर एक्टिव हो गई हैं और पहले से पारस से नोकझोंक करने वाली देवोलीना ने एक बार फिर पारस छाबड़ा को गिरगिट कह दिया है। दरअसल शो में पारस देवोलीना का सपोर्ट बनकर आए थे। कोई त्योहार हो या फिर कोई और दिन, बॉलीवुड सेलेब्स हर दिन को बड़े ही अच्छे तरीके से मनाते हैं। अब ऐसे में पूरा बॉलीवुड वैलेंटाइन डे के दिन प्यार के रंग में रंगा नजर आया। अर्जुन कपूर और मलाइका अरोड़ा ने भी इस दिन को साथ सेलिब्रेट किया, जिसकी तस्वीरें अर्जुन कपूर ने सोशल मीडिया पर फैंस के साथ शेयर की हैं। वहीं न्यूलीवेड्स वरुण धवन नताशा दलाल भी वैलेंटाइन के मौके पर एक दूसरे की बाहों में नजर आए। जानवी कपूर ने भी कार्तिक आर्यन के वैलेंटाइन डे पोस्ट पर अपना प्यार लुटाया था। वहीं अब ऐसे में कंगना भी कहां पीछे रहने वाली थी, तो वैलेंटाइन डे मनाने के लिए कंगना भी मध्य प्रदेश के सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में सफारी करने पहुंच गई। बॉलीवुड में सलमान खान और शाहरुख खान की दोस्ती के बारे में हर कोई जानता है और दोनों के फैंस भी इन दोनों को अक्सर स्क्रीन पर साथ देखना भी पसंद करते हैं। तो एक बार फिर आप हो जाइए तैयार, क्योंकि जल्द ही इन दोनों को आप एक साथ स्क्रीन शेयर करते हुए देखने वाले हैं। जी हां, फिल्म पठान के लिए सलमान खान जल्दी ही शूटिंग शुरू करने वाले हैं। भाईजान सलमान ने बताया है कि बिग बॉस खत्म होने के बाद वो पठान की शूटिंग करेंगे। बता दें, शाहरुख खान 2018 की फिल्म जीरो के बाद एक पहली बार इस फिल्म में बड़े पर्दे पर नजर आएंगे। ऐसे में अब दोनों को बड़े पर्दे पर साथ देखने के लिए फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। बिग बॉस सीजन 13 फेम शहनाज गिल अक्सर सुर्खियों में बनी रहती है। पंजाब की कैटरीना कैफ के नाम से मशहूर शहनाज गिल अपने फैंस के बीच काफी पॉपुलर हैं और अक्सर वो अपनी कई वीडियोस और तस्वीरें भी शेयर करती हैं। हाल ही में शहनाज ने एक वीडियो और साझा किया है, जिसमें उनके साथ रैपर बादशाह भी नजर आ रहे हैं। वीडियो के साथ कैप्शन में शहनाज ने लिखा, चलो दोनों साइड हटो, इस सॉन्ग की फुटेज मैं ही लूंगी, बेबी ऑफ एम टॉप टकर। शहनाज के इस वीडियो को सोशल मीडिया पर काफी पसंद किया जा रहा है और उनके फैंस भी कह रहे हैं कि वाकई सारी फुटेज शहनाज ही ले जाएंगी। बॉलीवुड गपशप में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन देश दुनिया के और खबरों से रूबरू होने के लिए आप देखते रहिए न्यूज वर्ल्ड इंडिया।